ये ना एक हैंडमेड सूप है, इसकी शक्ल बहुत गंदी सी है क्योंकि ये डाइल्यूट हो गया है पानी के साथ। ऐसे लगता है कि किसी का नाक है। और मैं ये ऋषि के ऊपर लगाऊंगी और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। क्या ये क्या लगाया है? जो हम दोनों का बैर है दो दिन से। ठीक है, जो आपके नाक में से निकलता है। चल है पागल है तू। क्या हो गया? ये मेरा प्रैंक आधा सही आधा गलत चला गया। नहीं वैसे स्टार्टिंग में तो ऋषि को हो ही गया था। चीजी सच बताओ, थोड़ा सा तो हो गया। पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप ऐसा कर सकते हो। सच में विश्वास नहीं, मैं कह नहीं यार ऐसा तो नहीं कर। मैं कर सकती हूँ। नहीं ऐसा नहीं कर सकता, इतना तो बंदे को पता ही होता है क्या लिमिट है बंदे की। यार लिमिट क्या है यार, नाक नहीं बंदा लगा सकता किसी के। ऐसे थोड़ी लगाओगे कि नाक से निकाल कर। अगेन सबूत आपके पास, अलमारी खुली हुई है। मैं काम करता रहता हूं। आज ऋषि ने मेरी टी-शर्ट पहनी, इसको टक इन करो। कैसा लग रहा है ऋषि, कमेंट करो मेरी टी शर्ट में। कपड़े एक्सचेंज करके हमें पहनना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है। बेचारा सारा दिन कुछ ना कुछ काम करता रहता है। इतना काम इकट्ठा हो गया, करने वाला इतना ज्यादा काम इकट्ठा हो गया। वीकेंड यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर ऋषि टॉक्स बनेगी। इंस्टाग्राम सीरीज, वो सीरीज लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि वो सीरीज लड़कियों को भी देखनी चाहिए। उसमें हम सारी पैसे की बात करते हैं और आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उस चैनल का लिंक, जो हमारा दूसरा चैनल, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपको वो कॉन्टेंट देखना चाहिए। बहुत फार कॉन्टेंट आ रहा है। कितना सारे ऋषि की चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। फिर से हम पहुंच गए हैं फिरोजपुर। लेकिन फिरोजपुर आए क्यों हैं? एक्चुअली क्या है कि इन दिनों में ना हमारे रिवाज होता है कि हमें कहीं माथा टेकना होता है, जो न्यूली मैरिड कपल होता है उसके लिए। तो वो मम्मा ने पहले ही बोल के रखा था कि तुम भाई तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें माथा टेकाना है, इसलिए वो माथा टेकने के लिए आए हैं। लेकिन अचानक से जैसे पहुँच गए, शुरू मस्ती वगैरह हुई। एंड देन उसके बाद मैंने बताया कि मैंने सॉल्व अपना काम किया। फिर हम 6:28 पर चले। एंड देन उसके बाद अभी हम पहुंचे हैं फिरोजपुर। लेकिन थोड़ा रेस्ट किया, फिर अपना कैमरा वगैरह उठाया है। अब मैं आया हूँ अपनी माँ के घर। अब कोई मेरे से बर्तन नहीं धुला सकता। माँ माँ हुंदी है दुनिया वाले। जो मुझे मैंगो है ना, वो काट के ज्यादा पसंद है। मम्मी को पता है ये बात। और सरी को बोलो तो सरी करती है नखरे। मुझे वो कटे हुए देंगे और जो उसकी जो गिटक रहे थे उसके ऊपर थोड़ा सा रहे थे ना, मम्मी वो गिटक खाते हैं। माँ का प्यार, मैं बोल रही हूँ, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करती। मैं भी नहीं दे सकती, मैं तो हूँ, मैं तो कंपेयर ही नहीं कर सकती। आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये है वो चीज जो हर मिडिल क्लास घर में होती है। इसमें हम खाना नहीं खाते, जब कोई रिश्तेदार आते हैं तब खाना खाते हैं। अच्छा, आपको खाना? मेरी मम्मी ने इतनी क्रोकरी इकट्ठी की हुई है कि अगर हम पूरे मोहल्ले का भी लंगर लगाए ना, तो हमें बाहर से बर्तन लाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ऋषि बोले की मम्मी का तो खाना वाह, मैं खुद ही बोल सकती हूं वाह। और लड़के को मलाई कोफ्ते और जस्ट बिकॉज की बहू है दाल और करेले। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है एक गेम का। उन्होंने सोचा क्यों ना वो गेम पेरेंट्स के साथ खेली जाए। लेकिन वो तो अंडा वगैरह रखते हैं, लेकिन हम टमाटर रखेंगे। पहला मुकाबला होगा मम्मी और पापा के बीच में, दूसरा मुकाबला आएगा सास और बहू के बीच में। हाय मेरा घर वाला है, मैं अपने घर वाले नु जिताना है। फिर की फायदा होया, मम्मी ने तो कहना पापा जीते जाने। मुझे मेरी माता श्री का पता, मम्मी का चल कोई बात नहीं, इनको जिता देती हूँ, मेरा क्या है। मम्मी ने ऐसे बोलना है, इमोशनल नहीं होना। सही बात है मम्मा, जब गेम है तो गेम है, सामने कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है, मेरा पति है तो मैं उसको जीतने दूँ। पंजा लगा ले यार, ठीक है पंजा लगा। मम्मी का पापा का हाथ पकड़ने में शर्म आ रही है। हमने सोची कोई और गेम थी, लग कोई और गई। कर सकते
मम्मा में कॉन्फिडेंस आ गया। टमाटर बचा रहा भाई, मेरे को लेके आए थे, मेरे साथ खेल लो। अब पापा और सरी, सरी हाथ नहीं चक्की था, हाथ नहीं चक्की था। ना ना ना, ये पापा ने मेरे सरी को जिताया है कि चल कोई बात नहीं, तू जीत जा। ऐसे घर में छोटी छोटी गेम्स खेलते रहो, कितना मजा आता है ना। जस्ट गेम थी ये, बट कितना मजा है ना। कहां मम्मी पापा भी जाके सो जाते हैं, हमने कहा नहीं आपने सोना नहीं, हम गेम खेलते। मम्मा कैसा लगा, मम्मा को बताओ। बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चों ने मुझे खिलाया। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड के साथ खिलाया। अब मम्मा हम एक काम करते हैं, हम जब भी आया करेंगे ना यहाँ पे, हम कोई ना कोई गेम खेला करेंगे। दो तीन बार आपको हमने दिखाई नहीं है, हम यहाँ पे लुकन मिची खेलते हैं, छुपन छुपाई। मम्मी पापा उधर सो गए हैं, लेकिन ये ऐसे पता है बैठी है सैड होके, क्योंकि जो दिल्ली जॉब इंटरव्यू लेके आई थी उनका रिप्लाई तो आ गया है, और रिप्लाई फेवर में है भी और नहीं भी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वो पोजीशन होगी वो इधर अपना ट्राई सिटी के अराउंड होगी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें जॉब देनी है तो तुम्हें जॉब दिल्ली करनी पड़ेगी, और हमने अपनी प्रेफरेंसेस में सिर्फ ट्राई सिटी ही लिखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दिल्ली हमें मूव होना नहीं है और हम मूव होना नहीं चाहते। बहुत डिफिकल्ट है, कहना साल तक अभी यहाँ पे सेट भी नहीं हुआ, और वहाँ जाके तब फिर से दोबारा वही, मतलब कि वही हम दोनों अभी लेटे लेटे बात कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली मूव होना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, अब सब दूर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो अब ये मैं चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस चलाता हूँ तो ये बड़ी ऐसे चला देता हूँ, तो अगर घर वालों का फोन आए तो ऐसे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दूर हो, गाड़ी उठाओ और तुम फिरोजपुर पहुंच जाते हो। तुम्हारा मन होना कि तुम्हें माँ के हाथ का खाना खाना है तो तुम शाम को गाड़ी उठाओ, रात को तुम फिरोजपुर। हाँ, और इसके घर वाले तो पास ही बिल्कुल लोकल ही रहते हैं, तो अगर दिल्ली हो जाता है तो इसके घर वाले भी दूर हो गए और मेरे घर वाले तो बहुत ही ज्यादा दूर हो गए। वही हम अभी लेटे सोच रहे थे कि अब क्या करें, मेरा मन तो नहीं है, मतलब कि मेरा 0% मन है, 0% मन है। आपका मन क्या कहता है? मेरा मन इस वक्त चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। एक्चुअली क्या है कि इसको जॉब, इसका मन भी है कि इसे जॉब करनी है रियलिटी में, तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो अच्छी है अगर करियर वाइज देखा जाए तो, सारा कुछ कैलकुलेट करके देखा जाए फिर वो अपॉर्चुनिटी फीकी पड़ जाती है। मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, मेरे लिए करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे थोड़ा सा आगे मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ आ जाती है। फाइनल कॉल सरी की होगी, मेरा कुछ नहीं लेना देना इसमें, मैं पहले बता रहा हूँ, एंड मैं उस चीज में बिलीव भी करता हूँ। ठीक है, जो डिसीजन लेने चाहिए वो सारा पहलू देख के यार, आपकी तो पूरी सपोर्ट है, जो मर्जी करो आप, बोलते जॉब करनी है कर, नहीं करनी ना कर। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी प्रेफरेंस है वो ट्राई सिटी ही है, लेकिन जो दिल्ली वाला सिस्टम है इसको क्या है कि हमने बोल देना है कि हम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है दिल्ली के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, ट्राई करते रहेंगे। हाँ, उसके लिए अप्लाई करते रहेंगे, पर दिल्ली नहीं मूव होना यार, क्योंकि मन की खुशी नहीं है। हम दोनों का ना एक सीन है कि हाँ, वो शुरू से बना है कि हम सेटिस्फेक्शन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दिल की खुशी, हाँ, दिल की खुशी को, लाइक पैसे को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ये भी पता है कि अभी नहीं तो 2 महीने बाद से ही, 3 महीने बाद से ही, 4 महीने बाद से ही, 5 महीने बाद से ट्राई सिटी में तो जॉब मिल ही जाएगी। तो ये था अपना आज का ब्लॉग, पसंद आया लाइक मैं शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलता है अगले ब्लॉग कुछ नई खबर। Subscribe, 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 subscribe.